दोस्तों हाल ही में मैं आदि पुरुष मूवी देख कर आया हूँ और मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन इस मूवी के अंदर इतनी ज्यादा मिस्टेक है जिसे शायद ही किसी मूवी देखने वाले ने नोट किया होगा। नंबर वन, सबसे पहले हम उस सीन की बात करते हैं जो इस मूवी में सबसे खराब था, यानी हनुमान जी का डायलॉग जिसमें वह रावण के सामने बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब यार, भगवान हनुमान जी को किसी टपोरी की तरह इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर टू, रावण जिन्हें बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था, उन्हें चार वेदों का ज्ञान भी था, लेकिन इस मूवी में रावण को मुन्ना भाई की तरह चलते हुए दिखाया गया है। नंबर थ्री, पुरानी रामायण में ही आप देख सकते हो रावण के जो 10 सर थे वो कुछ इस तरीके में थे, यानी सीधे थे, लेकिन इस मूवी में रावण के सर को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जिसमें 5 सर ऊपर की ओर और 5 सर नीचे की ओर है। नंबर फोर, इस मूवी में सीता हरण के समय एक सीन में रावण सीता माता को हवा में उड़ाकर लेके जा रहा है और राम जी उनका पीछा करते हुए दिखाए गए हैं। नंबर फाइव, रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था तो वह सीता माता को पुष्पक विमान में लेकर गया था, लेकिन इस मूवी में एक चमगादड़ पर रावण को आते हुए दिखाया गया है। नंबर सिक्स, मूवी में जटायु को एक बाज के रूम में दिखाया गया है। नंबर सेवन, रामायण में जब रावण सीता माता का अपहरण करके ले जा रहे होते हैं तो सीता माता निशानी के तौर पर ऊपर से जमीन पर आभूषणों को फेंकती है, लेकिन इस मूवी में सीता माता अपने हाथों से मूर्तियों को फेंकती हुई नजर आ रही है। नंबर एट, कंबल राक्षस जो राज राम को सुग्रीव से मिलने के लिए पंपा जाने की सलाह देता है, लेकिन इस मूवी में ये काम सबरी कर रही है। नंबर नाइन, पुरानी रामायण में श्री राम जी को शांत और धैर्य वाले इंसान के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी में वह गुस्से नजर आ रहे हैं और उनका बिहेवियर रावण से कम नजर नहीं आ रहा। नंबर टेन, पुरानी रामायण और शास्त्रों में बताया गया है कि रावण की लंका सुनहरी यानी सोने की थी, लेकिन इस मूवी में लंका काली यानी कोयले की तरह बना रखी है। नंबर 11, विभीषण जो कि रावण का भाई था वो श्री राम जी को बताता है कि रावण का वध कैसे होगा, लेकिन इस मूवी में तो राम जी को पहले से ही पता था कि रावण का वध कैसे होगा। नंबर 12, रामायण के लास्ट सीन में जब श्री राम जी सीता माता को बचाकर लाते हैं तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन इस मूवी के एंड में सीता माता राम जी के गले मिलती है और मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, आपका इस मूवी को लेकर क्या रिव्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।